देखो आज के इस वीडियो में हम सिंपली डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के एक काफी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में, जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम, जिसको आप शॉर्ट में पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम भी कह सकते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि ये जो पोस्ट ऑफिस का स्कीम है ये इतना पॉपुलर क्यों है। तो यहां पे सबसे पहली बात, ये एक गवर्नमेंट स्कीम है तो यहां पे गवर्नमेंट की गारंटी होती है, यहां पे आपके पैसा जो डूबने का चांसेस है वो ना के बराबर है और यहां पे जो रिटर्न है वो भी गारंटेड है। आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कैलकुलेशन के थ्रू कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपका कितना पैसा बनेगा। दूसरी बात यहां पे ये है, क्योंकि ये एक रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम है, यहां पे आपको एफडी के जैसा एक साथ में पैसा जमा नहीं करना है, यहां पे आप हर महीने मिनिमम 100 रुपया, 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहां पे अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, हर लोगों के लिए ये इन्वेस्टमेंट स्कीम अच्छा होगा। वो कुछ महीना हर महीने सेव करके इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहां पे 5 साल पूरा होने के बाद में जो भी उनका फाइनेंशियल गोल्स होगा उसके हिसाब से उन्होंने जो भी पैसा डिपॉजिट करा होगा और जो भी इंटरेस्ट वगैरह मिला के उनको पूरा पैसा मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस स्कीम के अंदर हर महीने 3,000 रुपया जमा करते हैं तो एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर आपको तकरीबन 2,10,000-11,000 के अराउंड में करंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मिल जाता है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कितना पैसा आप जमा करेंगे तो आपका कितना पैसा यहां पे बन सकता है। तो इस स्कीम को डिटेल्स में समझने के लिए हम सिंपली चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो अब यहां से हम पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट के इंपॉर्टेंट फीचर को और रूल्स को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहली बात यह आती है कि इस रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम में आपको हर महीने कितने समय तक पैसा डिपॉजिट करना होगा। तो यहां पर सिंपली आपको हर महीने 5 साल तक पैसा डिपॉजिट करना होगा और 5 साल पूरा होने के बाद में आपने जो भी पैसा डिपॉजिट किया प्लस उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बना सारा मिला के आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 5 साल पूरा होने के बाद में चाहते हैं कि इस स्कीम को आप और लंबे समय तक कंटिन्यू करें तो यहां पे अगेन आप इस स्कीम को 5 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहां पे 5 साल पूरा होने के बाद में आप चाहिए तो अगले 5 साल तक, यानी कि टोटल यहां पे आप 10 साल तक चाहे तो इस स्कीम को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे क्वेश्चन आता है कि यहां पे इंटरेस्ट रेट आपको कितना मिलेगा। तो यहां पे जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो आपको मिलेगा 6.7% पर एनम का, और ये जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको मैच्योरिटी के डेट तक सेम मिलेगा, यानी कि 5 साल तक जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको 6.7% के हिसाब से ही मिलेगा। भले फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट में गवर्नमेंट कमी कर दे या तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट को बढ़ा दे, लेकिन आपको 6.7% के हिसाब से ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि भाई 5 साल पूरा होने के बाद में मैंने अपने आरडी स्कीम को आने वाले 5 साल के लिए एक्सटेंड किया तो उस केसेस में हमको क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो यहां पे सिंपली वापस से आपको 6.7% का ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आपने एक्सटेंड किया तो 10 साल तक आपको सेम इंटरेस्ट रेट मिलेगा जिस इंटरेस्ट रेट पे आपने इनिशियली पैसा यहां पे डिपॉजिट किया है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि आप मिनिमम और मैक्सिमम कितना पैसा इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम आप 100 रुपए से पर मंथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का कोई भी लिमिट नहीं है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर आप किसी महीने में पैसा डिपॉजिट नहीं कर पाए, आप भूल गए, आपके पास में पैसा नहीं है, तो उस केसेस में क्या होगा। तो यहां पर आपने जो भी डिफॉल्ट किया हर 100 रुपए के ऊपर आपको 1 रुपया डिफॉल्ट चार्जेस देना पड़ेगा, यानी कि अगर आपने मान लो किसी महीने में डिफॉल्ट कर दिया, आप दे नहीं पाए, तो अगले महीने जब आप दूसरे जो महीने में डिफॉल्ट किया उस महीने का भी पैसा देंगे तो आपने जो भी अमाउंट का डिफॉल्ट किया पर 100 रुपीज के ऊपर आपको 1 रुपए का चार्जेस यहां पे देना पड़ेगा, प्लस जो भी आप हर महीने डिपॉजिट करते हैं वो तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके अलावा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है कि अगर आप 4 महीने लगातार अगर आपने इस स्कीम में डिफॉल्ट किया तो यहां पे जो आपका स्कीम है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, यानी कि आप 4 महीना लगातार इस स्कीम में मंथली डिपॉजिट नहीं करते हैं तो आपका जो स्कीम है उसको सिंपली डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका स्कीम एक बार डिसकंटिन्यू हो गया तो 4 महीने के बाद में आपको 2 महीने का समय दिया जाएगा कि आप 2 महीने के अंदर आपका जो भी स्कीम डिसकंटिन्यू हुआ है उसको आप सिंपली रिवाइव कर सकते हैं, यानी कि 2 महीने के अंदर जो भी आपका पैसा पूरा बकाया होगा वो प्लस जो भी चार्जेस बनते हैं सारा देके आप सिंपली इस स्कीम को वापस से रिवाइव कर सकते हैं। अगर आपने इस स्कीम को रिवाइव नहीं किया तो उस केसेस में आप आगे अपने आरडी स्कीम में पैसा डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे और नॉर्मली यहाँ पे आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट के हिसाब से मिला के पैसा मिल जाएगा, तो आप अपने स्कीम को डिसकंटिन्यू ना करें। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से लोग आरडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल चाहिए तो आरडी अकाउंट ओपन करवा सकता है
और यहाँ पे ज्वाइंटली के केसेस में अप टू 3 अडल्ट मिलके चाहिए तो आरडी अकाउंट वो भी ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर कोई माइनर है जिनका उम्र 10 साल के ऊपर है तो वो भी चाहिए तो अपने नाम पे आरडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और यहाँ पे अगर कोई माइनर है जिसका उम्र 10 साल से कम है तो उसके जो पेरेंट है वो चाहिए तो अपने बच्चे के नाम पे इस स्कीम को ओपन करवा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको लोन फैसिलिटी भी देखने मिल जाता है, तो आपने जिस दिन अपना अकाउंट ओपन किया उसके एक साल के बाद यहाँ पे आपको लोन फैसिलिटी भी देखने मिल जाता है। कितना लोन मिलेगा, तो यहाँ पे आपके आरडी में जितना बैलेंस होगा उसका अप टू 50% तक आपको लोन मिल सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि किस इंटरेस्ट रेट पे लोन्स मिलेंगे, तो यहाँ पे जो भी आरडी का इंटरेस्ट रेट होगा उसके ऊपर आपसे 2% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा। तो हमारे सिचुएशन में यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 6.7% का है, तो यहाँ पे आपको 8.7% के ऊपर लोन्स दिया जाएगा। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इस स्कीम के अंदर प्री मेच्योर क्लोजर का क्या रूल्स है, यानी कि मैंने आपको बताया था कि इस स्कीम के अंदर नॉर्मली आपको 5 साल तक पैसा जमा करना होगा और 5 साल पूरा होने के बाद में जो भी आपका पैसा है सारा इंटरेस्ट वगैरह मिला के आपको मिल जाएगा। लेकिन यहां पे अगर आप इस स्कीम को 5 साल के पहले क्लोज करना चाहते हैं तो उसका क्या रूल्स है, तो यहां पे सिंपली पोस्ट ऑफिस का कहना है कि आप चाहिए तो 3 साल के बाद में इस स्कीम को क्लोज करवा सकते हो, लेकिन यहां पे इनका कंडीशन है कि अगर आप इस स्कीम को 5 साल से 1 दिन पहले भी क्लोज करवाओगे ना तो यहां पे जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको पोस्ट ऑफिस का जो रिकरिंग डिपॉजिट का 6.7% वाला इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट आपको नहीं मिलेगा। तो कौन सा मिलेगा, तो यहां पे सिंपली आपको पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है 4% वाला वो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो यहां पे इनका सिंपली कहना यह है कि अगर आप 5 साल के पहले क्लोज करवाना चाहते हैं तो आफ्टर 3 ईयर आप कमा सकते हैं, लेकिन उस केसेस में आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। उसके बाद यहां पर इनका यह भी कहना है कि अगर आपने पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट में कोई भी एडवांस डिपॉजिट किया है, नॉर्मली ऐसा होता है कि भाई आप 6 महीने का पैसा एडवांस रख लो, हम हर महीने महीने पैसे नहीं देंगे, तो उस केसेस में जितने समय तक का आपने एडवांस पैसा दिया है उतने समय तक आप इस स्कीम को समय से पहले क्लोज नहीं कर सकते। उसके बाद यहां पे लास्ट में बोला है कि भाई अगर अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाएगा तो उस केसेस में क्या होगा, तो उस केसेस में कुछ नहीं, जो भी उनके नॉमिनी उनके फैमिली मेंबर है जो भी उन्होंने पैसा डिपॉजिट किया था उसके ऊपर जो भी बाकी का 6.7% के हिसाब से जो भी इंटरेस्ट बना था वो सारा मिला के उनके फैमिली मेंबर को मिल जाएगा, या तो उनके फैमिली मेंबर के पास में एक और ऑप्शन होता है कि वो चाहिए तो इस स्कीम को मैच्योरिटी के डेट तक चाहिए तो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहां पे डेथ के केसेस में अगर आप इस स्कीम को समय से पहले तोड़ रहे हैं यानी कि अगर डेथ हो गया तो फैमिली मेंबर को पैसा मिलेगा तो उस केसेस में सेविंग अकाउंट का नहीं, आपको जो रिकरिंग डिपॉजिट का एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है वही मिलेगा, क्योंकि डेथ तो नेचुरल है कभी भी आ सकता है। अब हम यहां पे नेक्स्ट स्लाइड में ये डिस्कस करेंगे कि आप इस स्कीम के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो यहां पे जो करंट इंटरेस्ट रेट है 6.7% उसके हिसाब से आपका कितना पैसा बन सकता है। तो यहां पे अगर आप इस स्कीम के अंदर हर महीने 5,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 साल के लिए तो अलोंग विद द इंटरेस्ट रेट आपको जो पूरा पैसा मिलेगा आफ्टर 5 ईयर वो मिलेगा 3,56,830 रुपीज, और वहीं पे अगर आप इस स्कीम को 10 साल तक कंटिन्यू करेंगे तो यहां पे जो आपका टोटल पैसा बनेगा विथ इंटरेस्ट वो बनेगा 8,54,272 रुपीज। वहीं पे अगर आप इस स्कीम के अंदर हर महीने सिंपली 1,000 रुपीज का डिपॉजिट करते हैं तो आफ्टर 5 ईयर जो आपका पैसा बनेगा वो बनेगा 71,369 एंड आफ्टर 10 ईयर आपका जो पैसा बनेगा वो बनेगा 1,70,857। और वहीं पे अगर आप इस स्कीम के अंदर हर महीने 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पे आफ्टर 5 ईयर आपका जो पैसा बनेगा वो बनेगा 7,13,659 और वहीं पे आफ्टर 10 ईयर आपका जो पैसा बनेगा वो बनेगा 17,08,546 रुपीज। और यहां पे कोई भी रिस्क वगैरह भी नहीं है। अब यहां पे अगर मैं इस स्कीम के टैक्स बेनिफिट की बात कर लूं तो यहां पे सबसे पहली बात, आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है सेक्शन 80C के तहत। इसके अलावा अगर आप इस स्कीम के तहत साल का 40,000 से ज्यादा इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं तो यहां पे TDS भी कटेगा 10% के हिसाब से, और अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो यहां पे इस स्कीम के तहत अगर आप साल का 50,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं तो आपका भी TDS कटेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका TDS ना कटे तो आप सिंपली फॉर्म 15G and H को सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा इस स्कीम के तहत आप जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं वो इंटरेस्ट इनकम आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होगा। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि इस स्कीम को आप किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, तो सिंपली आप अपने नियरेस्ट ब्रांच में जा सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि मुझे आरडी अकाउंट ओपन करवाना है, सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, हर महीने कितना पैसा डिपॉजिट करना है वो आपको देखना है, उसके बाद आपने एक बार इनिशियल डिपॉजिट कर दिया तो आपको सिंपली पासबुक मिल जाएगा, उसके बाद से आप हर महीने पैसे डिपॉजिट करके और एट द एंड आपको मैंने जो बताया 5 साल के बाद में आपका जो भी पैसा आपने जमा किया था प्लस उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बना है वो सारा पैसा आपको मिला के मिल जाएगा। तो
दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और यहां पे अगर आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।